मेरा सवाल विक्रम सिंह साहब आपसे है, आप शिवसेना के नेता हैं, कोई भी अभिनेता अभिनेत्री और इस केस में कंगना रनौत अगर मुंबई पुलिस की आलोचना करेगा, अगर सरकार के किसी फैसले की आलोचना करेगा तो उसको क्या कहेंगे कि मुंबई मत आओ, धमका देंगे? नहीं रोहित जी, इसमें इसमें शिवसेना के नेता क्या कहेंगे, ये लोग तो खुद ही बोल रहे थे, ये तो खुद ही बोल रहे थे बॉलीवुड ने हमें इतना सता दिया, कभी नेपोटिज्म का मामला बता रहे थे, कभी इनके साथ कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, ये तो खुद ही बोल रहे थे। इनको बॉम्बे पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की इन्होंने एक तरीके से सुपारी ले रखी है। इनका और कुछ चारा नहीं चलता तो सीधा सरकार पे सवाल उठा दो। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये खुद बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी नशे ड्रग्स का एंगल बता रहे हैं किसी का, तो ये आपस में ये सब इनका चल रहा है, तो इनको शिवसेना वाले क्या कहेंगे, तो खुद ही डरे हुए हैं। अगर इनको इतना डर लगता है तो जाहिर सी बात है बॉम्बे में ना आए फिर, ये जिनको तो जब जहां इनका इनको जहां आपस सेफ में चल लगता रहा है बाहर। था तो शिवसेना के नेता संजय राउत को अखबार में लिखने की क्या जरूरत थी कि फिर मुंबई ना आए? नहीं, ये लोग देखो पहले पहले ये लोग इतने दिन से आपने देखा होगा, कभी कुछ इनको देखो, जिनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, जिनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा उन्होंने एक बाउल बनाया कि भाई नेपोटिज्म का मामला यहाँ पे। अरे भाई ये कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, ये तो एक प्राइवेट वो है, किसी को आपको अच्छा मालूम लगेगा है कोई अपनी कंगना फिल्म रनौत में के नाम लेगा। कितने अवार्ड्स हैं, आप जानते हैं इस बात अरे को? भाई अवार्ड, अरे भाई अवार्ड लेने से क्या अभिनेत्री होता के है, तौर अवार्ड तो पे बहुत, इस देश ने ये उनको फिल्म कितनी स्वीकृति दी अवार्ड तो है बहुत लोगों क्या को, आपको इस बात का पता है? अरे भाई अवार्ड तो नसीरुद्दीन शाह को मिले लेकिन आज उसको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत से वो है फिल्म वाले जिनको कोई पूछ नहीं रहा, अब ये सारे डिप्रेशन में, अब ये तरह तरह की बातें कर रहे तो हैं, अब आपके इनको हिसाब कोई से काम नहीं मिल रहा, नसीरुद्दीन सीधा शाह भी सरकार पे डिप्रेशन सवाल में उठा रहे। है, ये शिवसेना मानती है कि अरे उनको भाई ये काम तो नहीं मिल साफ रहा नजर क्योंकि? आ रहा है, अरे भाई साफ नजर आ रहा है, ये सब मीडिया से मिलके बीजेपी वाले मिलके राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे बिहार में चुनाव है उसके लिए सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब राजनीति का सारा वो चल रहा है, इनको बिहार कोई में लेना देना चुनाव नहीं है का इनके साथ। कंगना की मुंबई में एंट्री से क्या लेना देना? अरे भाई ये सारे मिलके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई शिवसेना एंटी बिहार है और बीजेपी ही बिहार की हमदर्द है, सिर्फ सुशांत सिंह का जितना दुख हमें है ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। हम तो देखो आज आप देख रहे हो कोई मीडिया वाले इस जेडीयू वाले को बुला लेते हैं, बीजेपी वाले को शिवसेना बुला लेते हैं, कोई एंटी आरजेडी बिहार को क्यों है नहीं या बुला, एंटी कोई बिहारी आरजेडी को है क्यों नहीं, भाई कोई ये भाई साबित कोई करने के आरजेडी को लिए क्यों तो नहीं बुला। सर थोड़ा नहीं, YouTube खोल मुझे लीजिए, ये, आपको अपनी पार्टी के कर्तृत्वों की अरे तस्वीरें मिल जाएंगी, भाई उसमें मुझे आपको ये किसी से बयान बताओ दिलाने की क्या जरूरत है? किससे आपको खुद किससे, याद नहीं है कि शिवसैनिकों ने क्या क्या किया उत्तर भारतीयों के साथ पहले? आपको नहीं याद है? नहीं ये शिवसैनिक मुझे बताने की जरूरत है क्या शिवसैनिकों ने जो कुछ आज नहीं आप किया, इसको बिहार से जोड़ शिवसैनिकों रहे हैं? ने कुछ नहीं, वो एमएनएस वो महाराष्ट्र निर्माण सेना वालों ने किया था, शिवसेना वालों ने तो अभी कोरोना में भी उत्तर भारतीयों को सबसे पहले भेजने का काम शिवसेना वालों ने किया, उत्तर भारतीयों को सबसे पहले भेजने का काम शिवसेना वालों ने किया। अभी ये जो चल रहा है ये सारा राजनीति वो षड्यंत्र है। आप देखो कि आप आरजेडी वाले को कोई मीडिया चैनल क्यों नहीं 65 दिन बुलाता, तक आपकी आरजेडी पुलिस वाले एक मामले की जांच नहीं आरजेडी वाले को करेगी बुलाते हो और आप कहेंगे कि आप हमारी पुलिस को जेडीयू, बदनाम किया जा रहा है, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड है। देखो बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल उठाए, पुलिस को बदनाम किया, जो कि एक मौका पुलिस जानी ने मानी खुद पुलिस, दिया ना, जो कि अव्वल नंबर की पुलिस है, मौका जो पुलिस कि ने अव्वल खुद दिया नंबर की ना। पुलिस है, इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया। ये इतने दिन से बॉम्बे में रह रहे थे तब कैसे रह रहे थे, अब इनको सारी चीजें इनके साथ आज एक दिन में हो गई, अब इनके साथ सारी चीजें एक दिन में हो गई, अब ये सारी बदनामी बदनाम करने का दौर क्या है, ये आज सारे एक साथ बोल रहे हैं इनको कहीं काम नहीं मिल रहा, ये डिप्रेशन में आकर के ये सब चीजें बोल रहे हैं, और इनके और कोई नहीं है, इनका इनका सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। इनको इनको सुपारी मिली हुई है कि भाई किसी तरीके से शिवसेना को बदनाम करो, ये सिर्फ बदनाम कर, इन्होंने पहले सवाल उठाए कि शिवसेना का नेता रिया को बचा रहे हैं, कौन बचा रहा मुझे बताओ, ये कह रहे कि भाई कोई पार्टी थी उसमें शिवसेना के नेता गए, इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, इन लोगों ने बदनामी करने की कोई कमी नहीं छोड़ी इन लोगों ने, तो आज ये बैठ करके कुछ ही बोल रहे हैं, इनकी बात की क्या सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।